नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज से हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और हमने तय किया है कि हम इस चैप्टर को या आने वाले अब सभी चैप्टर्स को पार्ट्स में करेंगे। आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया कि ये वीडियोस थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, वाई नॉट टू मेक इट इन पार्ट्स, सो वाई नॉट। तो आज पहला पार्ट है चैप्टर 6 का और छोटे छोटे वीडियोस के तौर पे हम इसको कैरी करेंगे ताकि आप इजीली कहीं भी किसी भी जगह आप इसको सुन सकें, एंड इट विल हेल्प यू थ्रू योर रिविजन्स ऑल्सो। सो चैप्टर 6 इज़ अबाउट लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। तो लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन उन ज़मीनों की बात कर रही है, उन जगहों की बात कर रही है जिसको शेप दिया है ग्लेशियल मूवमेंट्स ने, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानों ने, आइस मासेज ने आइस एज के दौरान या शायद उससे पहले या जब भी रहे हो, बर्फ़ ने जिस ज़मीन की रचना की है, जिस ज़मीन को शेप दिया है, दोज लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एज लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। तो प्लिस्टोसीन पीरियड के दौरान यानी आइस एज के दौरान, जो कि आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, तो इस दौरान माना जाता है धरती का जो टेम्परेट जोन वाला हिस्सा है, यानी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में भी इतना ही, तो ये जो टेम्परेट जोन वाला हिस्सा है ये माना जाता है पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था, एज़ कि इट वॉज आइस एज इटसेल्फ। तो लगभग 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स एज़ द बुक रेफर्स, तो इतना ज़्यादा हिस्सा मतलब बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था। और यूरोप हो, ग्रीनलैंड हो, अमेरिका हो, इनके मोस्ट ऑफ़ द हिस्से आइस एज में, आइस के अंदर दफन थे। आज जब हम वार्मर क्लाइमेट में रह रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ मेजर आइस कैप्स ही धरती पे बची हुई हैं। जो मेन आइस वाले जो रीजन्स है वो एक हिमालय का माउंटेनस जो पीक रीजन है वो हो जाता है, फिर आपके जो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसे एंटार्क्टिका और आर्कटिक के तौर पे भी जानते हैं, इनमें मेजर आइस कैप्स हैं अभी भी। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ अभी भी आइस के मतलब काफ़ी मौजूदा स्वरूप में काफ़ी बड़े मात्रा में आइस यहाँ उपलब्ध है। बट ड्यूरिंग द आइस एज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ, स्पेशली अप टू द टेम्परेट जोन, इट वॉज ऑल कवर्ड विद द आइस, एंड नॉट जस्ट आइस, इट वॉज थिक हेवी आइस। और ये जो है ये मल्टीपल शीट्स से बनते हैं। आप जैसे आपने पढ़ा है कि सेडिमेंट्स होते हैं सॉइल में, पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा है आपने, अगर आप एक बार पीछे हमेशा वीडियो देखा करो यार, पीछे वाले देख के आइए प्लीज़, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि किस तरह से सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंट्री सॉइल होते हैं, तो आइस भी उसी तरीके से फॉर्म करता है। ठीक है, जो मेजर आइस शीट्स होते हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड एट वंस, एक बार में ना बन के देयर इज़ मल्टीपल शीट, मल्टीपल लेवल ऑफ शीटिंग होती है, मल्टीपल लेवल में आइस गिरता है, एंड विद द टाइम आइस के ऊपर आइस गिरते हुए दे मेक अ मोर डेप्थफुल और ज़्यादा गहरा आइस शीट का एक लेवल बन जाता है, काफ़ी मोटा और काफ़ी अंदर तक, काफ़ी मतलब नीचे तक गया होगा अपनी ऊपरी सतह से। तो ये विद द टाइम इतने हेवी हो जाते हैं कि जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो आइस का जो पूरा सर्फेस है, वो दब के क्रिस्टलाइन एकदम सॉलिड लेवल पे आ जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। और ये अपने आप में इतने भारी हो जाते हैं कि ये जो ज़मीन का नीचे का हिस्सा है इसको ये दबा देते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म अंडर देमसेल्व्स, उस अपने खुद के नीचे एक अलग ही तरीके की भूमि का निर्माण ये करते हैं। अगर हम उन आइस शीट्स को हटा के देखें, बहुत जगहों से ये आइस शीट्स हटे हैं, तो ये अलग ही एक संरचनाओं का जो निर्माण ये अपने वज़न और अपने कटाव से करते हैं, उनको ये पीछे छोड़ जाते हैं। अभी इधर कुछ टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको जानने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला तो ग्लेशिएशन पढ़ रहे हैं, तो ग्लेशियर ही होता है, तो ग्लेशियर एक थिक आइस शीट होता है, बहुत दूर तक में फैला हुआ आइस का एक कवर होता है जिसको हम ग्लेशियर के तौर पे जानते हैं। दूसरा टर्म है नूनाटक्स। नूनाटक्स वो पीक्स होते हैं माउंटेन के जो दूर तक इन ग्लेशियर आइस शीट्स में फैले होने के बावजूद जो हिस्सा माउंटेन पीक का बाहर निकला हुआ होता है, उन्हीं को नूनाटक्स के तौर पे जानते हैं। नूनाटक्स आम तौर पे जनरल माउंटेन का पीक ही होता है, बट जब एक माउंटेन टॉप को, एक पूरे माउंटेन रेंज को
बहुत ज़्यादा आइस ढक ले और फिर भी कोई माउंटेन पीक का हिस्सा उस मेजर आइस सी से बाहर निकलने में कामयाब रहता है, देन दोज वेरी पीक्स ऑफ द माउंटेन आर कॉल्ड एज नूनाटक्स। फिर अगला टर्म जो आपको जानना चाहिए वो है आइस शेल्स। तो आइस शेल्स आइस शीट्स के वो हिस्से होते हैं जो समुद्र की ओर बढ़े रहते हैं, यानी कोई आइस शीट जो ऑलरेडी ज़मीन पे है बट उसका हिस्सा बढ़ते बढ़ते समुद्र के किनारे और फिर समुद्र तक में एक्सटेंड किया है। दोज वेरी आइस शीट्स विच आर टुवर्ड्स द सी, यानी जो आइस शीट्स जो समुद्र की ओर बढ़े हुए हैं और समुद्र के ऊपर जो तैर रहे हैं उनको आइस शेल्फ्स कहा जाता है। समझने के लिए आप इसको बर्फ़ की तख्ती जैसा कुछ समझ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक तख्ती जैसा ये पानी के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। फिर भाई साहब जब ये आइस शीट समुद्र में घुस गया है आइस शेल्फ के तौर पे, तो फिर ये समय के साथ समुद्र के मार से पिटाई से टूटता भी है। इतना समुद्र मारता है कि थोड़ा कहीं कहीं टूट जाता है और फिर ये टूट के जाता कहाँ है, उसी समुद्र में गिर जाता है। और जो ये आइस शीट्स के जो ये टुकड़े हैं जो आइस शेल्फ्स पहले थे, अब ये जब टूट के समुद्र में गिर जाते हैं देन दे बिकम आइस बर्ग्स। जी हाँ, वो समुद्र के में जो बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े तैर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड एज आइस बर्ग्स, और आमतौर पर ये किसी मेजर आइस शेल्फ के हिस्से होते हैं जो उसे टूट के अलग होकर समुद्र में तैरने लगे। वन ऑफ द फेमस आइसबर्ग इंसिडेंट इज़ अबाउट टाइटैनिक। बस अभी इसमें इतना ही, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में यानी चैप्टर 6 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू कंटिन्यू वॉचिंग, और पीछे के भी वीडियोस देख लो, ये आपको एक कंटिन्यूटी देगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।